नमस्कार महप्रिया, आज है 16 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पटना उच्च न्यायालय ने निकाली रिक्तियां। बिहार की 9 सड़कें होंगी चौड़ी, होगा इतना हजार करोड़। नेपाल भी देगा बिहार को सौगात। बिहार में कोरोना की चौथी लहर को लेकर बढ़ी सुरक्षा। बिहार में पहली कक्षा के बच्चों के लिए चलेगा चहक 2.0। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने निकाली रिक्तियां। पटना उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत सहायक पीए के कुल मिलाकर 45 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट में सर्टिफिकेट के साथ एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक 50% अंक, 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार की 9 सड़कें होंगी चौड़ी, होगा इतने हजार करोड़ रुपए खर्च। बिहार में सड़कों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, सिर्फ संख्या ही नहीं, बिहार की अलग अलग सड़कों की चौड़ाई भी जल्द ही बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही बिहार की 9 सड़कों का चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है और इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी है। उन्होंने ही हाल ही में मीडिया से मुखातिब होने के दौरान बताया है कि आगामी 30 जून 2022 तक निविदा आमंत्रित कर इन परियोजनाओं के काम को आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद ही जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में वाहनों की रफ्तार भी बढ़ सके। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। बॉलीवुड के काफी ज्यादा टैलेंटेड और बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आने वाले संजय मिश्रा दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। संजय मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में एक की थी और शायद जितना स्ट्रगल उनके द्वारा बॉलीवुड में किया गया है किसी और एक्टर के द्वारा किया गया होगा। संजय मिश्रा भले ही एक काफी ज्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन आज भी वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी की तरह फेमस नहीं हो पाए हैं और कम ही लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन टैलेंट की पहचान रखने वाले लोग संजय मिश्रा को बखूबी जानते हैं। बिहार में बड़े स्तर पर होगा पुलिस कर्मियों का तबादला। बिहार के लगभग 25,000 पुलिसकर्मियों के तबादले का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जल्द ही तबादले का नया प्रावधान लागू हो जाएगा, जिसके बाद लगभग 25,000 पुलिसकर्मियों का तबादला होना तय है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राज्य में पुलिस संशोधन विधेयक 2022 विधानमंडल से पारित होने के बाद इसके लागू होते ही कई स्तर पर बड़े पुलिस महकमे में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें सभी जोन की व्यवस्था समाप्त कर सभी जिलों को 12 रेंज में विभाजित कर दिया गया है। इससे सिर्फ 4 बड़े रेंज में आईजी और शेष 8 रेंज में डीआईजी के पद बचे हैं। इसके अलावा नए प्रावधान के तहत अब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के पुलिसकर्मियों का तबादला बार बार इधर से उधर नहीं हो सकेगा। प्रमोशन के लिए नए सिरे से बनेगा SC/ST कर्मियों का डेटा। बिहार में अब प्रमोशन से जुड़े मामलों में न्यायालय के निर्देश के बाद ही अब सामान्य प्रशासन विभाग भी अलर्ट हो गया है, जिसके तहत ही विभाग ने संबंध में सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र भी जारी कर दिया। कुछ समय पहले ही इसको लेकर आंकड़े जारी किए गए थे। साथ ही जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मियों के मात्रात्मक आंकड़े एक पखवाड़े के अंदर उपलब्ध कराए जाए। पूर्व में जब इस आशय के आंकड़े मांगे गए थे तब तक 1 फरवरी 2022 की स्थिति के तहत कर्मियों के आंकड़े मांगे गए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब निर्देश भेजा है कि 1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति क्या है, इस बारे में पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। नेपाल भी देगा बिहार को सौगात। बिजली उत्पादन के मामले में आज भारत आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार भी बिजली के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं अब जल्द ही नेपाल भी बिहार को बड़ी सौगात देने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नेपाल में तैयार हो रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिहार को भी बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ये बातें सहरसा स्थित पटेल मैदान में 550 करोड़ की लागत से सीहोल में बने पावर ग्रिड का शुक्रवार को उद्घाटन करने के बाद कही। इस पावर ग्रिड में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, किशनगंज और बेगूसराय जिले को निर्बाध बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस बाबत सारी जानकारी भी साझा कर दी है।
बिहार में इतनी फीसदी बढ़ी बिजली की मांग। बिहार में बिजली की मांग में हर दिन के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस बार तो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। ऐसे में बिहार में बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बिजली की मांग करीब 9% बढ़ गई है। हालांकि कोयले की आपूर्ति उस हिसाब से नहीं हो रही। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से भी पेश किए गए जानकारी के अनुसार कोयले की आपूर्ति बिहार समेत कई राज्यों में नहीं हो पा रही है, जो कि बिहार में परेशानी का एक कारण बन सकती है। बिहार में लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बनेगा एक नया ब्रिज। अब बिहार में पर्यटकों के लिए एक और मनोरम स्थान खुलने वाला है। बिहार सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के जमुई जिला में जल्द ही ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर ब्रिज बनाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर अब बिहार सरकार ने खुद ही मंजूरी भी दे दी। मिली जानकारी के अनुसार इस पुल के चालू हो जाने के बाद लाछुआर, धर्मशाला और क्षत्रिय कुंड के बीच की दूरी भी कम होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार लाछुआर को केंद्र सरकार ने जैन सर्किट से भी जोड़ने की बात कही है। इसके साथ ही क्षत्रिय कुंड गांव में अब ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के तर्ज पर ब्रिज बनाने की तैयारी भी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसके लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। वहीं इस ब्रिज के बन जाने से यात्रा भी लगभग 7 किलोमीटर तक घटने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में जारी हुआ 72 घंटे का हीट कर्फ्यू। बिहार में गर्मी की मार का सामना करने वाले लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इतना ही नहीं, अगले 72 घंटे तो लोगों के लिए बेहद ही भारी साबित होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार बिहार के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, बिहार में लगातार जारी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए इससे पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में अलग वार्ड की व्यवस्था होगी। डेडिकेटेड वार्ड में 24 घंटे डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बिहार में कोरोना के चौथी लहर को लेकर बढ़ी सुरक्षा। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर लगभग खत्म बताई जा रही है, जिससे लोग भी अब बाजारों में आराम से घूमने निकल रहे हैं। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट और देश के कुछ राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की बत्ती फिर से जला दी है, जिसके तहत ही अब बिहार में बाहर से आने वालों का टेस्टिंग ट्रैकिंग शुरू होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुंबई, दिल्ली में फिर से मामले अब चिंताजनक नजर आ रहे हैं और इन दो राज्यों का बिहार से सीधा संपर्क है। यही कारण भी है कि बिहार में प्रशासन को अभी से ही अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पहली कक्षा के बच्चों के लिए चलेगा चहक 2.0। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल रेडिनेस का विशेष अभियान पहली बार शुरू होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शिक्षा विभाग इसी महीने के अंत में सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में 2022-23 सत्र में नामांकन लेने वाले करीब 22 लाख बच्चों के लिए चहक 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। यह निर्णय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ली गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य भर में इस विशेष अभियान को संचालित किया जाएगा। 23 अप्रैल को होगी सभी अंचलों के कामकाज की जांच। बिहार के सभी अंचल सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच अब 23 अप्रैल से शुरू होने वाली है। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी के दिशा निर्देश के तहत अंचल कार्यालय में सरकारी कामकाज और आमजनों को होने वाली परेशानियों की जांच किए जाने की तैयारी हो रही है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो सभी 534 अंचलों में रैंडम आधार पर अधिकारियों को जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच शुरू होने के कुछ समय पहले ही किस अधिकारी को किस अंचल में जांच के लिए जाना है यह निर्धारित किया जाएगा, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। खगड़िया के सनहौली दुर्गा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया शहर से सटे सनहौली दुर्गा स्थान में दशकों से मां दुर्गा विराजमान है। श्रद्धालु इसे शक्तिपीठ समझकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि 200 साल पहले पंचायत के ही एक खेत जोतने के क्रम में मां दुर्गा की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को एक ब्राह्मण गोपी ठाकुर ने उठाकर अपने घर के निकट एक कुएं पर स्थापित कर दिया। मां दुर्गा की मूर्ति को कुएं पर स्थापित करने के बाद स्वप्न देखकर गोपी ठाकुर ने पंचायत के गणमान्य लोगों से इस पर बात की और बाद में गांव के लोगों के प्रयास से मूर्ति को कुएं पर से हटाकर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थापित किया गया।
राजगीर के साइक्लोपियन वॉल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की कवायद हुई तेज। बिहार के राजगीर में 2500 साल से अधिक पुराने साइक्लोपियन वॉल को बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यूनेस्को की विशेष धरोहर में सूचीबद्ध करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। पुरातत्व निदेशालय के निदेशक दीपक आनंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में साइक्लोपियन दीवार को सूचीबद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एएसआई को साइक्लोपियन द्वार के ऐतिहासिक महत्व और विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजगीर की साइक्लोपियन दीवार पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बनाया गया था। बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस दीवार को बनाया गया था। अब यूपीआई पेमेंट से होगा स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की बुकिंग। बिहार में अब डाकघरों से स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री करना आसान हो गया है। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल, मनी ऑर्डर इत्यादि की बुकिंग को और आसान बना दिया, जिसके तहत ही अब आम लोगों को ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट की सुविधा प्रदान की गई है, जिसकी शुरुआत पटना डाक प्रमंडल के अंतर्गत बांकीपुर प्रधान डाकघर में शनिवार से क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करने के साथ ही की जा रही है। डाक विभाग के वरीय डाक अधीक्षक पटना राजदेव प्रसाद ने बताया है कि डाक विभाग ने कुछ सालों से तकनीक के क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और इसे देखा भी जा रहा है। पेट्रोल पंप की कमी के कारण बिहार सरकार पर उठी उंगलियां। बिहार के नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप है ही नहीं, जिस पर आपत्ति अब पटना हाईकोर्ट ने जताई है, जिसके तहत ही बीते दिन इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में देने का निर्देश दे चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर जनसंख्या और वाहनों की संख्या के अनुपात में पेट्रोल पंप की संख्या काफी कम है। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते वे पूछा कि राज्य नेशनल हाईवे पर कितने पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों के आड़े टेढ़े सिग्नेचर से परेशान हुई बिहार सरकार। बिहार सरकार अपने ही अधिकारियों के अतरंगी साइन करने के स्टाइल से परेशान हो गई है। योजना एवं विकास विभाग ने इसको गंभीरता से लिया है। विभाग की माने तो सरकार के अधिकारियों को पता नहीं है कि पत्राचार के समय वो तय नियम का पालन नहीं करते हैं। इसमें बुनियादी नियम की अनदेखी हो रही है। हस्ताक्षर के मामले में तो और अराजक स्थिति बनी हुई है। आलम कुछ यूं है कि बहुत कम अधिकारी स्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं। इसको लेकर ही अब विभाग ने कहा है कि अधिकारी बिहार अभिलेख हस्तक 1960 यानी कि बिहार रिकॉर्ड्स मैनुअल का पालन करें। बता दें कि अभी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर के नाम पर जलेबी से लेकर पशु पक्षी तक की आकार। आज मुख्यमंत्री जाएंगे समस्तीपुर, लोगों की बढ़ी उम्मीद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर में होने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर शनिवार को समस्तीपुर जिले के ताजपुर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि बख्तियारपुर ताजपुर फोर लेन सड़क से गंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य बीते लंबे समय से रुका है। लोगों को उम्मीद है कि सीएम के आगमन से इसमें गति आएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस सड़क की आधारशिला मुख्यमंत्री ने साल 2011 में रखी थी। बिहार की ये पहली योजना थी जो पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से बननी थी। वर्ष 2011 में इस फोर लेन सड़क सह पुल निर्माण पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई थी। साल 2011 में इस फोर लेन सड़क सह पुल निर्माण पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई थी। क्या सच्चिदानंद रॉय थामेंगे जदयू का हाथ? भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सच्चिदानंद रॉय ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत दर्ज की, जिसके बाद से ही भाजपा की किरकिरी हो रही है। वहीं अब बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक और चर्चा तेज हो गई है, जब बीते दिन सच्चिदानंद रॉय ने ललन सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद से ही बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो गई। हालांकि सच्चिदानंद रॉय ने मुलाकात के बाद कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से शिष्टाचार की मुलाकात हुई है। क्षेत्र के विकास के और भविष्य के बारे में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ललन सिंह का स्नेह और आशीर्वाद हमें मिला और भविष्य में भी सदा मिलता रहेगा। भाजपा ने की बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में भाजपा और जदयू में कई मुद्दों को लेकर जुबानी जंग चलती ही रहती है।
इसमें बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे और ठोस जनसंख्या कानून भी शामिल है। भाजपा नेता एक तरफ जहां विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सिरे से खारिज कर देते हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के विकास के लिए जनसंख्या पर ठोस कानून भी चाहते हैं। जदयू नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भाजपा की राय से सहमत नहीं है। इसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है। बिहार सरकार ने जो भी योजनाएं मांगी उससे अधिक केंद्र ने दिए हैं। प्रशासनिक विफलता के कारण बिहार का तेजी से विकास नहीं हो रहा। अरविंद सिंह ने ये तक कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कानून की जरूरत फिलहाल बिहार में है। इस्तीफा देने के बावजूद मदन मोहन झा ने मनमुटाव की बात से किया इनकार। बिहार कांग्रेस के हर दिन के साथ खराब हो रही स्थिति ने ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद से ही बीते दिनों ही उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस आला कमान को सौंपा, जिसके बाद वो बीते दिन पटना लौट आए हैं। हालांकि उनके पटना लौटने से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब कांग्रेस के बीच में और ज्यादा मनमुटाव की स्थिति देखने को मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके संकेत बीते दिन खुद मदन मोहन झा ने दिए। जब पटना लौटने पर मदन मोहन झा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सभी तरह की अटकलों को खारिज कर दिया और अपने इस्तीफे के सवाल पर मदन मोहन झा ने कहा कि मेरा कार्यकाल तो 6 महीना पहले ही खत्म हो गया था। मदन मोहन झा ने बताया कि उन्होंने 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अगले सत्र से एक ही बार होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब अगले शैक्षणिक वर्ष से सिंगल मोड में ही परीक्षा लेने का फैसला किया है, यानी कि अगली बार से अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा एक ही बार आयोजित की जाएगी। आसान भाषा में समझे तो इस बार हो रहे 2 टर्म पॉलिसी को खत्म कर दिया जाएगा। कोरोना काल से पहले ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में बांटने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत ही टर्म 1 बोर्ड परीक्षा पिछले साल की नवंबर दिसंबर में आयोजित की गई, वहीं टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से होने वाली है। अधिकारियों की माने तो इसको लेकर बोर्ड ने स्कूलों से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करने के लिए एकल परीक्षा पैटर्न को बहाल करने का फैसला किया है। इस बाबत उन्होंने बताया कि सीबीएसई ने कभी घोषणा ही नहीं की थी कि जो बदलाव किया गया है वो हमेशा के लिए लागू होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में 1853 में मुंबई के ठाणे के बीच में पहली रेल चली। जालियांवाला बाग कांड के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए गांधीजी ने 1919 में आज ही के दिन उपवास की घोषणा की। भारत ने 2004 में रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दी। लंदन में 2008 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म 1889 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का 1978 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1966 में भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का निधन हुआ। 2011 में महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर भवानी सिंह का निधन हुआ। आज ही के दिन को रेल परिवहन दिवस और एनसीसी स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। व्हाट्सएप पर जुड़ सकेंगे एक साथ 32 लोग। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कहा है कि वो ग्रुप वॉइस कॉल में 32 लोगों को एक साथ जोड़ने और 2 गीगाबाइट तक की फाइलों को शेयर करने की सुविधा देगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ने कई और सुविधाएं देने की बात भी कही है। इस समय मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके ग्रुप वॉइस कॉल में केवल 8 लोग ही जुड़ सकते हैं और उपयोगकर्ता के बीच शेयर की जाने वाली फाइल का आकार 1 GB से अधिक नहीं होना चाहिए। मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक पोस्ट में कहा है कि हम व्हाट्सएप पर ग्रुप में नए फीचर जोड़ रहे हैं जिसमें प्रतिक्रिया, बड़ी फाइल शेयरिंग और बड़ी ग्रुप कॉल शामिल है। सनराइजर हैदराबाद ने कोलकाता को दी मात। सनराइजर हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। केन विलियमसन की अगुवाई वाली हैदराबाद की यह सीजन की लगातार 3री जीत है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने कोलकाता के 176 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर और 13 गेंद बचे रहते हुए हासिल कर लिया। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले हुए मुकाबले में हैदराबाद ने कोलकाता के 176 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल करने के साथ ही हैदराबाद की तरफ से राहुल त्रिपाठी ने सर्वाधिक 71 रन बनाए, तो वहीं एडन मार्करम ने 68 रन बनाकर वो नाबाद रहे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, सुनील कुमार, वीरू प्रसाद, पांडव कुमार, राजीव कुमार, दिव्यांशु कुमारी, श्याम कुमार, अजीत कुमार, ध्रुव कुमार, पूजा कुमारी, विपिन कुमार, जुलाजवर, विकास कुमार सिंह, सद्दाम ओवैसी, किशोर कुमार चौरसिया, सुजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन के लिहाज से कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।